गेम्स ने हमें बहुत कुछ दिया है, ऐसे करेक्टर्स दिए हैं जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं एंड हमारे फेवरेट बन जाते हैं। ऐसी स्टोरीज का हिस्सा बनने का मौका दिया है जो कि एपिक है एंड साथ में बहुत सी मेमोरीज भी दी हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मोबाइल पे खेल रहे हो या पीसी पे या फिर कंसोल, आपको गेम्स में बहुत से ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स मिलेंगे जो अनफॉरगेटेबल है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 मोस्ट फेमस सीन्स इन वीडियो गेम्स जो सभी गेमर्स के दिमाग में बसे हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड गेम्स ऑसम चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही क्वालिटी गेमिंग कंटेंट देखने के लिए। बात करते हैं PUBG की एंड इसमें आप कोई भी गेम कंसीडर कर लो, चाहे वो PUBG PC हो, PUBG मोबाइल या फिर BGMI। लेकिन क्या आपको याद है वो शुरुआती दिन जब आपने ये गेम्स बस खेलने स्टार्ट ही किए थे, जब आप नए नए थे बैटल ग्राउंड में। उस 20 से 30 मिनट्स के मैच में आप खूब सारे वेपन्स और सप्लाईज कलेक्ट कर रहे हो, सरप्राइज शूट आउट में पार्ट ले रहे हो या स्टेल्थली किसी को मार रहे हो एंड इस सबके बाद टॉप 10 में आना सही में कितना बड़ा फील होता था। और क्या आपको याद है वो पहला मैच जिसमें आप जीते थे, मतलब जो 100 प्लेयर्स प्लेन से कूदे उनमें से आप अकेले सर्वाइव कर पाए टिल द एंड एंड पहली बार स्क्रीन पे लिखा आता है विनर विनर चिकन डिनर। देन उस एक्साइटमेंट में शायद आप अपनी स्क्वाड के साथ उस मैच के मोमेंट्स रिविजिट करते थे, भाई सामने वाला यहाँ से आया तूने ऐसे मारा एंड इसे जीत पाए। भले ही उसके बाद की विक्ट्रीज में एक्साइटमेंट सेम हो, पर हर सेशन एक नई स्टोरी अनफोल्ड करता है जो यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल होता है। आप भी अपने फर्स्ट विक्ट्री के मोमेंट जरूर शेयर करना कमेंट्स में। Uncharted 3 Uncharted सीरीज की थर्ड एंट्री है जिसमें हम नेथन ड्रेक की स्टोरी को फॉलो करते हैं। अब वैसे ये सीरीज बहुत पॉपुलर है इसके एक्शन स्टंट्स के लिए, पर इसके चैप्टर 17 शो अवे में जो स्टंट देखने को मिलता है वो शायद ही कोई भूल पाएगा। इसमें नेथन एक कार को प्लेन के ओपन डोर के सामने लड़ रहा होता है, तो ऑडियंस के मन में आएगा कि यार ठीक है तो नॉर्मल सा सीन है, ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज में दिखाते ही है, कौन सा वो बाहर गिर जाएगा। पर फिर कुछ सेकंड्स के बाद ऐसा होता है एंड नेथन प्लेन के बाहर नेट पर लटका हुआ मिलता है, मतलब वो वापस क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है प्लेन के अंदर एंड इस बीच उसे गन फायर से भी बचना है। वो प्लेन में वापस तो आ जाता है बट प्लेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है एंड एक छेक के मारे वो वापस बाहर खींच लिया जाता है एंड अब वो हवा में उड़ रहा है। मतलब उस पे कुछ नहीं है, ना ही पैराशूट है, ना ही कुछ है, बस वो हवा में उड़ रहा है एंड सीधा नीचे गिरने वाला है। वो तो टाइम रहते वो एक कार्गो को ग्रैब कर लेता है एंड उसके साथ साथ आराम से नीचे उतरता है। ये पूरा सीन भले ही स्क्रिप्टेड हो पर फिर भी बहुत औसम है और ड्रेक ऐसा स्टंटमैन बन के उभरता है जो कुछ भी सर्वाइव कर सकता है, इवन उस प्लेन क्रैश के बाद भी जब वो सारा डेजर्ट में अकेला है। वैसे यही सीन को रिक्रिएट किया गया अनचार्टेड मूवी में जो उसकी मेन हाईलाइट भी है। वेल असैसिन्स क्रीड रेवोल्यूशंस एज़ियो ट्रायलॉजी का सबसे वीक गेम है, पर इसमें हमें कुछ यूनिक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये लास्ट एज़ियो का गेम है। गेम के एंड में एज़ियो द टूम्ब ऑफ अल्टेयर में जाता है, वहाँ एक ऐसा मोमेंट आता है जब गेम के तीन मेन कैरेक्टर्स एक साथ एक ही रूम में होते हैं, मतलब बेसिकली डिफरेंट टाइमलाइंस वहाँ एक साथ देखने को मिलती है जिस वजह से एज़ियो अल्टेयर से मिल पाता है एंड इवन डेसमंड से डायरेक्टली बात भी कर पाता है। ज्यादातर लोग इसे बेस्ट एंडिंग मानते हैं जहाँ एज़ियो एंड अल्टेयर की कहानियां समाप्त होती है, और ये उन गेम्स में से भी है जब असैसिन्स क्रीड सीरीज फिलोसफिकल एंड थोड़ी मिस्टीरियस हुआ करती थी। इसलिए ये मोमेंट यकीनन वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, खासकर असैसिन्स क्रीड फैंस के लिए। GTA Vice City की शुरुआत तब होती है जब टॉमी वर्सिटी जेल से निकलता है एंड उसका बॉस सोनी फरेली उसे Vice City भेजता ड्रग बिजनेस सेटअप करने के लिए, और वहीं पर मिलता है लैंस वैंस जो कि टॉमी के साथ अलायंस बना लेता है क्योंकि दोनों का मिशन सेम ही है एंड वो है कि ड्रग डील में फायरिंग किसने करवाई उसे ढूंढना, तभी टॉमी वो पैसे लौटा पाएगा एंड लैंस अपने भाई का बदला ले पाएगा। अब ये फ्रेंडशिप काफी लंबी चलती है जिसमें कभी टॉमी लैंस की जान बचाता तो कभी लैंस टॉमी की एंड साथ में काफी मिशंस भी करते हैं वो लोग अंटिल द फाइनल मिशन कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, जहां लैंस सोनी को बता देता है कि उसे फेक कैश दिए जाने वाले हैं, जिसका मतलब लैंस इतना भी लॉयल नहीं था एंड इसका रीजन थोड़ा बहुत टॉमी वर्सिटी की ईगो भी थी। जैसे टॉमी को पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि लैंस उसे बिट्रे कर सकता है। अब उसे अपने बड़े मेंशन को तो प्रोटेक्ट करना ही है पर साथ में जो माफियाज उस पे अटैक कर रहे हैं उन्हें भी मारना है। वो अकेला ही सबको मार देता है एंड खासकर उसके दोस्त लैंस को जिसने उसे धोखा दिया। इस सबके बाद टॉमी एंड कैन एक नई बिगनिंग की ओर बढ़ते हैं और गेम एंड हो जाता है। ये सीन यकीनन वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है वीडियो गेम हिस्ट्री का जो शायद हम कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो गेम्स खेलते वक्त हमारे अंदर काफी टाइप के इमोशंस आ सकते हैं लाइक एक्साइटमेंट, हॉरर, एडवेंचर, पर बहुत ही कम गेम्स ऐसे होते हैं जो रुला सकते हैं एंड 2012 का द वॉकिंग डेड वो गेम है जो किसी की भी आंखों में आंसू ला सकता है। स्पॉयलर्स अलर्ट, द वॉकिंग डेड गेम में एक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स आ रखी है एंड ली को मिलती है क्लेमेंटाइन। क्लेमेंटाइन एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई है एंड ली उसके लिए एज अ फादर फिगर बन के आता है। सीजन 1 के 5 एपिसोड्स में हम देखते हैं कि वो कैसे एक साथ सर्वाइव करते हैं, जिसके एंड में हम एक रूम में ली को भी किसी ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया है एंड वो भी अब एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। ये जानते हुए कि अब वो नहीं बच सकता, क्लेमेंटाइन के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो उसे वही बंदा छोड़ दे और ज़ॉम्बी बनने दे या फिर सारी सफरिंग को एंड करके उसे शूट कर दे। पर आप कोई भी ऑप्शन चूज करो, इसका मतलब यही है कि अब क्लेमेंटाइन को ली से अलग होना पड़ेगा एंड इस खतरनाक वर्ल्ड में अकेले सर्वाइव करना होगा। ली उसे कॉन्फिडेंस देता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो एंड खुद अकेले सर्वाइव कर सकती हो, पर ये बहुत ही मुश्किल है क्लेमेंटाइन के लिए क्योंकि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद अब वो किसी और को नहीं खोना चाहती थी। और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है उस गेमर के लिए भी जो उसे
स्टार्टिंग से खेल रहा है। सरप्राइज मत होना अगर एंडिंग में आप एक आधा आंसू बहा दो। तो गाइस ये थे वो कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। आप भी अपने बेस्ट गेमिंग मोमेंट्स कमेंट्स में लिखना ताकि हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए आइडियाज मिले। एंड साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, गेम्स गॉसिप पे आपको मिलता रहेगा ऐसी क्वालिटी गेमिंग कंटेंट। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।